So, hello guys, this is Naresh and you are watching the Big Billion Store. तो गाइस वॉच इस का सिलसिले में आज हम आपके लिए शानदार सी बढ़िया सी एमोलेड चैट जीपीटी वाली वॉच जो कि है एच के 11 प्रो मैक्स अल्ट्रा 2 मल्टी फंक्शन स्मार्ट वॉच। पूरी की पूरी एमोलेड डिस्प्ले आपको ओरिजिनल डिस्प्ले देखने में मिल जाएगी, ओरिजिनल वेयरफिट प्रो एप्लीकेशन से चलने वाली वॉच, चैट जीपीटी वाला एप्लीकेशन मार्केट, वॉच फेसेस सारे आपको इसमें देखने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सा वर्जन आपको इसमें देखने वाला है एच के 11 प्रो मैक्स अल्ट्रा 2 में। तो गाइस इस वॉच को आपको ऑर्डर कर सकते हैं, उसके साथ क्या मिलेगा तो मैं आपको उसके साथ की चीजें भी दिखा देता हूँ। आपको एक तो इसमें केस मिलेगा पूरा का पूरा, ये जो ग्लास है ऊपर का और ये केस है, तो ये ग्लास विथ केस मिलने वाला है आपको इसके साथ, प्लास्टिक केस मिलेगा उसके साथ। फिर मिलेगा आपको एक केबल प्रोटेक्टर के बाद आपको मिल जाएगा एक प्रीमियम पैकेजिंग में अल्पाइन प्लेन बेल्ट। दिखा देता हूं मैं आपको अल्पाइन बेल्ट कुछ इस तरीके का अल्पाइन बेल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में वो भी। तो अल्पाइन बेल्ट मिल जाएगा, उसके बाद एक मिल जाएगी आपको ईयरफोन, वायर वाला ईयरफोन बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो उसके साथ आपको एक ईयरफोन भी मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको देखने वाला है। तो केस, ईयरफोन, केबल प्रोटेक्टर एंड दी ये बेल्ट, अल्पाइन लूप बेल्ट। आपको इसमें कलर मिल जाएंगे ब्लैक, ऑरेंज, व्हाइट, सारे कलर आपको इसमें मिल जाएंगे, आप चॉइस कर सकते हो या मुझे ऑर्डर के बाद बता सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एच के 11 प्रो मैक्स अल्ट्रा 2 की अनबॉक्सिंग, कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स देखने वाला है हमें, व्हाइट कलर का बॉक्स पूरा देखने को मिल जाएगा। उसके साथ हमें देखने को मिल जाएगी कुछ इसका एच के 11 प्रो अल्ट्रा 2 मैक्स का यूजर मैनुअल, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स देखने वाले हैं। उसके बाद हमें मिल जाता है एक टाइप ए का वायरलेस चार्जर, तो ये टाइप ए का वायरलेस चार्जिंग है। अगर आपको टाइप ए का वायरलेस चार्जिंग के साथ केबल प्रोटेक्टर चाहिए तो वो भी हम इसके साथ दे देंगे, क्योंकि आप इसको एंड्रॉयड के जरिए यूज कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया कन्वर्टर आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो दिक्कत नहीं है, आपको एक कन्वर्टर मिल जाएगा उससे चार्जिंग कर सकते हैं, तो वो भी हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हमें मिल जाता है एक बेल्ट जो कि है अल्ट्रा 2 का वेलक्रो ये ट्रेल लूप बेल्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमें मिल रहा है ओशियन ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, ऑरेंज कलर का एंड ब्लैक कलर का, कोई भी बेल्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो बेल्ट आपको अंदर अंदर चीज में मिलने वाले हैं, दो बेल्ट आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। फिर वॉच की बात करें तो वॉच हमें मिल रही है कुछ इस तरीके से, पूरी की पूरी सील पैक तरीके से मिलने वाली है। यहाँ पे अल्ट्रा 249 mm लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, पीछे के स्क्रू एंड बेल्ट लॉक भी आपको देखने वाले हैं। तो अभी दिखाते चलता हूँ मैं आपको कि इसमें और क्या क्या फीचर्स आपको देखने वाले हैं एच के 9 प्रो मैक्स अल्ट्रा 2 में। तो कुछ इस तरीके से आपको सिल्वर कलर का पूरा फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जीपीएस एंटीना आपको देखने को मिल जाएगी, इनबिल्ट जीपीएस नहीं है बट जीपीएस एंटीना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी पूरे को पूरे। यहाँ पे माइक होल्डर, यहाँ पे जीपीएस एंटीना पूरी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे एक्शन बटन, यहाँ पे इसके वो रह रहे हैं स्पीकर्स वगैरह, और पीछे की दिखता चलूँ मैं आपको तो यहाँ पे दो स्क्रू है और यहाँ पे बेल्ट लॉक के लिए ऑप्शन दिया है, वो भी बेल्ट लॉक के लिए। अल्ट्रा 249 mm कैश, पूरा का पूरा वाटर रेसिस्टेंट डिवाइस है, ये डिवाइस है वाटर रेसिस्टेंट डिवाइस है, ठीक है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। अभी मैं आपको इसको दिखाते चलूँ कि इसको ऑन कैसे करते हैं। तो ऑन ये ऊपर के बटन से ये वॉच है जो वो ऑन होने वाली है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वेयर फिट वेलकम लिखा हुआ आपको शोन करेगा, जब भी ये ओरिजिनल आप यूज करोगे तब, डुप्लीकेट में ऐसा कुछ नहीं होता। एपी अल्ट्रा 2 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे आज तो कुछ ये देख सकते हैं आप इसके एच डी वाले वॉल्पेपर्स ऊपर की, और यहाँ पे कंपास देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कंपास देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रॉलिंग नहीं दिया है, यहाँ स्क्रॉलिंग यहाँ से ही कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इसमें अल्ट्रा 2 के जो वॉलपेपर्स है वो इसमें दिए हैं वॉलपेपर, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर्स इसमें दिखाए हैं, उस बारे में आपको चेक करवाता हूँ एक बार। अर्थ वाला है, फिर ये वाला वॉलपेपर जो एनिमेशन
सकते हैं आप इसमें, ये कंपास वाला बोल भी आप उसको देख सकते हैं, कंपास वाला बोल भी आप इसमें देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी कंपास, तो ये इसका अल्ट्रा टू का वॉलपेपर से सारे। एनिमेशन वॉलपेपर भी आपको देखने वाले हैं, एनिमेशन वॉलपेपर भी आपको उसमें देखने वाले हैं। फिर आपको ये पूरा का पूरा जो डायल है वो, उसको आप एक कवर अप स्क्रीन भी कर सकते हैं। जब इसको आप कवर करोगे तब ये ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सेटिंग बताते चल रहा हूँ कि उसको सेटिंग में कवर अप की, यहाँ पे ऑलवेज ऑन, जब आप उसको उससे कवर करोगे तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाता है, वो भी मैं आपको बताते चलूंगा सेटिंग में जाके। तो कुछ इस तरीके से आपको सबसे पहले मेनू स्टाइल यहाँ से टैप करोगे, मतलब मेनू स्टाइल आने वाला है, तो जो नया मेनू स्टाइल है अभी वो मेनू स्टाइल आपको देखने वाला है, इसमें नया वाला मेनू स्टाइल आपको देखने वाला है। तो जो नीचे की ओर से ऊपर जाते हैं हम, तो जो नया वाला मेनू आता है वो आपको इसमें देखने वाला है। फिर डबल टैप करोगे यहाँ पे तो दूसरा मेनू स्टाइल आपको इसमें देखने मिल जाएगा, जो कि राउंड मेनू स्टाइल आप बोलते हैं। स्मूथनेस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी स्मूथनेस है, और प्योर एमोलेड डिस्प्ले ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन देखते तो जरा भी ब्राइटनेस नहीं है इसमें, पूरा को पूरा ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको इसमें टच स्मूथिंग मिलने वाला है। यहाँ पे आप इसका मेनू स्टाइल्स और वगैरह देख सकते हैं, 4 और 5 टाइप्स की मेनू स्टाइल आपको इसमें देखने वाली है, तो बेहद ही बढ़िया है। और फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में आपको इसमें सारे बता देता हूँ HK11 के। सबसे पहले यहाँ पे मिल रहा है एप मार्केट ऑल वॉच फेसेस, लोकल म्यूजिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं एप्लीकेशन के जरिए, क्योंकि ये रैम वाला वॉच है तो आप इसमें सुन सकते हैं। वॉइस मेमो है, ChatGPT 2.0 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, स्पोर्ट्स लेवल आप इसमें स्पोर्ट देख सकते हैं। कुछ इस टाइप से न्यू जो एच के में अभी स्पोर्ट्स आए हैं, उसी टाइप के स्पोर्ट्स आपको भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। ब्लड ऑक्सीजन है, स्पॉट है, स्लिप है, प्रेशर है, एक्टिविटी रिकॉर्ड, फोन है, फोन कर सकते हैं, वेदर, अलार्म, ब्रीथ, मीट, फिर रिमोट कंट्रोल, फाइनल फोन, कैलेंडर है, सेटिंग है, गेम्स है, गेम्स खेल सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको उसमें दिया है, खुद भी आपको कैलकुलेट करना हो तो इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉच में कैलकुलेटर का फीचर्स आ गया है। ड्रेन है, ड्रेन जब आप इसकी वॉच आपकी पानी में चली जाती है तो आप इसमें ड्रेन फीचर यूज कर सकते हैं। आप इमीडिएटली यहाँ से ड्रेन फीचर देख के पूरी की पूरी जो है वो पानी निकाल लेता है ड्रेन फीचर। उसके बाद सायरन है, स्टॉप वॉच है, वॉइस असिस्टेंट, कंपास है, और कार्ड होल्डर है, बारकोड कार्ड होल्डर होते हैं, जो बारकोड होल्डर होते हैं वो आप इसमें बिजनेस कार्ड में डाल के और कर सकते हैं। वॉलेट है, ब्लड शुगर है, मी एंड यू मतलब कि GPS सिस्टम इसमें देखने को मिल जाएगा। एयरप्लेन वो एक वॉच की गेम है, वो भी इसमें आपको शोन करेंगी। यहाँ से आप मेनू स्टाइल डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, 5 टाइप्स का मेनू स्टाइल आपको देखने को वाली है, वो 5ों मेनू स्टाइल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दूसरी बात बताते चलूँ तो ये लॉन्ग प्रेस करोगे इस बटन वाले बड़े वाले बटन को, तो यहाँ पे आपका लाइट टू शट डाउन, सायरन और दूसरी चीजें आपको देखने वाली है, सायरन भी है और रिस्टार्ट है, इमरजेंसी कॉल है। फिर आप इसको डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है रिसेंट एप्लीकेशन, जो भी हमने यूज की है रिसेंट में एप्लीकेशन वो आपको यहाँ पे डबल टैप करने पे मिल जाएगी। जब आप इसकी होम पेज पे होगे फिर ही आप इसको डबल टैप करिए, ठीक है। फिर नीचे वाले एक्शन बटन की है, जो लॉक बटन की बात करूँ मैं तो ये वन साइड टैप करोगे तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट बार देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एडिट करके कुछ भी डाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको डबल टैप करने वाले हैं आप, तो डबल टैप में आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, आपको ब्लूटूथ कनेक्टेड है, ऑन है या कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो यहाँ से आप इसको डबल टैप करोगे इस वाले बटन को तो आपको देखने वाला है। जब इसमें होम पेज में हो गया आप फिर ही आपको दिखेगा। फिर आते हैं एक्शन बटन पे, एक्शन बटन को वन टाइप क्लिक करके आप इसमें स्पॉट देख सकते हैं, ठीक है। तो डबल टैप का ऑप्शन है या नहीं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक्शन बटन में। हाँ, डबल टैप करोगे तो आपको पूरे डेटा एनालिस्ट बताएगा,
पूरे दिन की दिनचर्या आपकी डेटा की वो सारी आपको जिसपे डबल टैप पे दिखाने वाले हैं। तो अभी बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब इसके मेन फीचर्स की बात करें, हम मेन फीचर्स की बात करें तो सेटिंग हो गई। सेटिंग में जाके जो मेन फीचर्स होते हैं, हिडन फीचर्स वो होते हैं, जब आप इसको डेट कनेक्ट करोगे एप्लीकेशन के साथ तो आपकी पूरी डिटेल इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखने वाली है। नोटिफाई में हमें क्या क्या मिलता है, रेड डॉट रिमाइंडर, जो भी आप इस एप्लीकेशन में कुछ मैसेजेस आते हैं मतलब आपके मोबाइल में, तो यहाँ पे रेड डॉट आ जाता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ये रेड डॉट नोटिफिकेशन किससे बोलते हैं। यूनिवर्सल में आपको मिल जाएगा अबाउट डिवाइस। अबाउट डिवाइस में एपी अल्ट्रा 2, HK11 अल्ट्रा 2 का नया मॉडल जो एपी अल्ट्रा 2 आपको देखने को मिल जाएगा। कनेक्ट फोन कर सकते हैं, रीसेट फैक्ट्री रीसेट रीस्टार्ट एंड शटडाउन। यूनिवर्सल में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैंने दिखा दिया। डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, ब्राइटनेस एंड डिस्प्ले है वो भी अभी मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ, पहले आप दूसरे फीचर्स देख लीजिए। तो साउंड एंड टच में आप मीडिया कंट्रोलिंग इनकमिंग डिफरेंट पावर सब कुछ साउंड ऑन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जेस्चर कंट्रोल है, जेस्चर कंट्रोल ऑन रखोगे तो आप डायरेक्टली आंसर इनकमिंग कॉल आंसर ऐसे करके आंसर कर सकते हैं। वो जो फीचर है वो इसमें इन बिल्ट है। फिर इसमें फीचर्स की बात करें तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं, इरेज डेटा भी कर सकते हैं, अगर आप इसको डेटा नहीं चाहिए तो इरेज भी डेटा कर सकते हैं। की डेफिनेशन है, बैटरी टाइमिंग सेटिंग स्लीप स्पोर्ट वगैरह की सेटिंग, रिसेट क्लॉक मेनू थिंग्स, स्मार्ट आइसलैंड। स्मार्ट आइसलैंड का भी मैं आपको बात करूं तो वो भी ऑन रखा है। तो स्मार्ट आइलैंड के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्मार्ट आइलैंड। तो गाइस स्मार्ट आइलैंड फीचर ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले जानना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ से म्यूज़िक में जाना है, म्यूज़िक आपको सिंपली ऑन कर देना है, ऑन करके यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देना है आपको यहाँ से, और फिर आप यहाँ पे जाओगे तो स्मार्ट आइलैंड फीचर से आइसलैंड फीचर वो ऑन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर देखने को वाला है जो फीचर्स ऑन है वो। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप इस फीचर्स को ऑन कर सकते हैं, देखने को मिल जाएगा जब भी इसमें नोटिफिकेशन आएंगी। तो ऑन से सेटिंग में, सेटिंग में हम थे सीधा पावर सेविंग मोड है, हेल्थ रिमाइंडर है, स्क्रीन सेटिंग में आप देख सकते हैं इसकी स्प्लिट स्क्रीन है और सेकेंडरी स्क्रीन, दोनों आप यूज कर सकते हैं जैसे भी आप यूज करना चाहें। अभी मैं आता हूँ मेन फीचर्स इसके, ब्राइटनेस एंड डिस्प्ले पे। डिस्प्ले की ब्राइटनेस आपको कितनी रखनी है वो कर सकते हैं, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टर्न ऑन, कवर ऑफ स्क्रीन ऑफ है। कवर ऑफ स्क्रीन ऑफ होके आपको एओडी सिस्टम ऑन करना है, तो एओडी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब इसको कवर करेंगे, जब इसको प्रेस पे कवर करें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाएगा, वैसे ही ये इसे कवर अप करते हो तो बंद हो जाता, तो अभी आप इसमें कवर अप करोगे तो सीधा एओडी आ जाएगा। और कॉन्स्टेंट लाइट जो है वो आपकी डिस्प्ले चालू के चालू ही रखेगा। तो ये फीचर आपको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, मुझे ऑन नहीं करना है। तो इसका मतलब बैटरी बहुत जाती है इसमें, आप कवर ऑफ करोगे तो। तो जैसे कि ये वाला तो देख कर देता हूँ, जैसे कि मैंने वॉलपेपर चेंज करके मैंने ये वाला वॉलपेपर रखा, ठीक है। अब इसको मैं स्क्रीन को पूरी कवर करूंगा, कवर करूंगा तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मुझे शॉन करेगा। पहले जो मैं कवर कर रहा था तो इसमें स्क्रीन ऑफ हो जा रही थी, तो दूसरे एक मेनू है इसमें, अगर इसमें आप कवर अप करोगे तो इसमें दूसरा वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर है HK 11 Pro Max Ultra 2 में। तो आप रियल एमोलेड स्क्रीन देख सकते हैं इसमें, कहीं भी आपको ब्लर डिस्प्ले नहीं मिलेगा। जब इसको आप डार्कनेस में देखोगे, ये डार्कनेस हो गई तो ये डार्कनेस में भी आपको पूरी की पूरी जो है वॉच है जो वो ब्लैक कलर की देखने को वाली है, इसमें आपको कोई चीज़ आपको नहीं देखने वाली है, जो कि देख सकते हैं आप इसमें लाइटिंग जरा भी नहीं देखेगी। जब आप इसको देखोगे अंदर से तो इसमें लाइटिंग जरा भी नहीं देखेगी, मतलब ये एमोलेड स्क्रीन है। इस तरीके से कभी आप एमोलेड स्क्रीन को देख सकते हैं, फुल डार्कनेस में रख के आप उसको एमोलेड स्क्रीन जैसे देख सकते हैं। तो ये थे इसके एओडी वाले ब्राइटनेस वाले फीचर्स। अभी मैं आपको एप्लीकेशन के साथ करके दूसरे वाला फीचर्स इसके दिखा देता हूँ। तो गाइस एप्लीकेशन के लिए सिंपली आपको जाना है, वेयर फिट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और यहाँ से इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको ऐड डिवाइस कर देना है, ऐड डिवाइस करके ब्लूटूथ ऑन कर देना है।
जैसे ही आप इसका ब्लूटूथ ऑन करोगे, इसमें आपको डिवाइस सिलेक्ट कर लेना है। डिवाइस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको AP2 अल्ट्रा मीन्स के HK11 प्रो मैक्स अल्ट्रा AP2 अल्ट्रा आपको डिवाइस शोन करेगा। वो डिवाइस आपको सिंपली कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद जो जो फीचर्स इसमें होते हैं वो फीचर्स अपने आप ऑन हो जाते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद सिर्फ आपको इसकी नोटिफिकेशन और वहाँ पे जो वॉच पे जो दिखा है उसको राइट करके पेयर कर देना है। पेयर करने के बाद आपकी वॉच है जो वो वेयरफिट प्रो से कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से यस और कैरी आउट कर देना है। कैरी आउट करके आप सीधा एप्लीकेशन में चले जाओगे। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको सिंपली वेयरफिट प्रो के जैसा चार जो फीचर्स हैं वो आपको दिखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे, वो सारे आपको अलो कर देने हैं। अलो करने के बाद ही ये पूरा जो अच्छा अच्छी तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद आपको इसके नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर देने हैं और वो सेटिंग में जाके आपको वेयरफिट प्रो की जो परमिशंस होती हैं उन। तो गाइस HK11 प्रो मैक्स अल्ट्रा 2 AP अल्ट्रा 2 यहाँ पे आपको शोन करेगा। 68% बैटरी है इसकी। कुछ इस टाइप से डायल्स मिल जाएंगे आपको, नए नए डायल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया डायल्स आपको इसमें देखने वाले हैं। जो भी आप इसको डायल को सेट करना चाहें वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसमें से डायल को लेके आप इसमें बहुत सारे डायल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। फ्री और पेड दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एल्बम में सिलेक्ट करके आप इसके चेंज कर सकते हैं कोई भी। यहाँ से आप इसकी गैलरी में से जाके फ़ोटो कोई भी सिलेक्ट करके, और यहाँ से गैलरी में जैसे मैं गया यहाँ से मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करके इसमें डाल सकते हैं। कोई भी फ़ोटो जैसे ही मैं एक भी फ़ोटो ले लूँगा वो सीधा अपलोड हो जाएगा गैलरी में से। यहाँ पर यहाँ से डायल सेट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्टाइल्स वगैरह, तो वो भी HK11 Pro Max Ultra 2 में आपको देखने को मिल जाएगा कस्टमाइज स्टाइल। उसके बाद मोर वेब ऑफिस है, वीडियो ट्यूटोरियल ग्राफिक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन मार्केट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि एक टाइप का सॉफ्टवेयर स्टोर रहता है। वो भी आप इसको इसमें देख सकते हैं। और गाइस इसमें आपको कस्टम स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप होट डायल और मेनू स्टाइल में दोनों में अपने वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। जो भी मन चाहे वॉलपेपर सेट करना हो कर सकते हैं। कि मेरा है कार्ड पैकिंग। अदर सेटिंग पे क्या क्या मिल रहे हैं? अदर सेटिंग में आपको डेली रिमाइंडर और राइजर विस्ट ऑन, टाइम सेटिंग आपको 12 या ऑलवेज कर सकते हैं। यहाँ पे 12 और क्लॉक में इसको ऑन कर दूंगा। मोशन रिकॉग्निशन आपको ऑन कर देना है। और वियर नोटिंग से डू नॉट डिस्टर्ब मूड है, स्लीप मूड एंड फिजिकल ट्रेनिंग के ऑप्शन यहाँ पे अदर सेटिंग से मिल जाएंगे। लोकल म्यूजिक में आप यहाँ से मैं कोई भी सॉन्ग मेरे मोबाइल में से ऐड करके मेरी फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगी। फाइल में से ओपन करके मैं सीधा वॉच में, सीधा हमारी वॉच है जो अल्ट्रा 2 उसमें अपलोड कर सकता हूँ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा ही कोई भी यहाँ से म्यूज़िक सिलेक्ट कर सीधा वॉच में अपलोड कर सकते हैं। वॉच की मेमोरी भी बहुत बड़ी मेमोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो डायल प्लेट आप यहाँ से सिलेक्ट करके डायल प्लेट आप कोई भी डायल प्लेट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा। शेड्यूल एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स इसके थे जो कि मैंने आपको दिखा दिए। ओके, नोटिफिकेशन वगैरह। तो गाइस नोटिफिकेशन पे जाओगे, नोटिफिकेशन में कुछ इस टाइप से रेड डॉट डिस्प्ले, नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट, हाइड नोटिफिकेशन वगैरह, आपको फ़ोन SMS व्हाट्सएप वगैरह की जैसे ही नोटिफिकेशन आपको गेट करेंगी आप यहाँ से सीधा देख सकते हैं। सीधा ही नोटिफिकेशन है सारी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी व्हाट्सएप में। जब भी आप इसमें कोई मैसेज वगैरह आएगा तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशंस इस टाइप से विदाउट नोटिस। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, मैं आपको नोटिफिकेशन करके दिखा दूंगा। तो एक फीचर्स था मैं जो बताने लायक था, ये जो नीचे की ओर से आप इसको स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह जो कि अल्ट्रा 2 के फीचर है वो इसमें इनबिल्ट है, तो वो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस टाइप से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे सारे अल्ट्रा 2 के HK11 अल्ट्रा 2 के फीचर्स। तो मैं उसमें बेल्ट लगा के आपको दिखाता हूँ कि बेल्ट कैसे मतलब अटैच होता है, उसके बाद हम इसको कैसे वेयर करें। और कुछ इस टाइप से आपको उसको बेल्ट को अटैच कर देना है। जैसे ही ये बेल्ट अटैच हो जाता है तो ये लॉक हो जाता है। जैसे ये लॉक हो जाता है उसके बाद ये यहाँ से खुलता है, इसको बटन को प्रेस करके फिर ये निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। तो वो ज़रा ध्यान में रखें आप।
इस वॉच को मैं वेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि वेयर करने के बाद कुछ किस टाइप से ये वॉच हमारी दिखने वाली है। तो इस टाइप से मैंने इसको वेयर कर दिया है, कुछ आपके सामने कुछ इस टाइप से ये वॉच मुझे दिखेगी। अल्ट्रा 2 की जो फिनिशिंग वगैरह इसमें देखने को मिल जाएगी वो भी बहुत बढ़िया इसमें आप देख सकते हैं। स्क्रॉलिंग सिर्फ यहाँ से आप देख सकते हैं, स्क्रॉलिंग वॉच पूरी की पूरी इस टाइप से ये पूरी वॉच आपको हैंड पे देखने वाली है। जब भी आप इसमें देख सकते हैं मोशन सीजन टोटली वर्किंग है और वो भी एक्यूरेट तरीके से वर्किंग है। जब भी आप राइस स्क्रीन अप करते हैं तो मोशन अपने आप ऑन ही हो जाता है। तो गाइस अगर आप HK 11 Pro Ultra 2 Max को परचेस करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर और वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और नीचे आपको मेंशन भी होगा कैप्शन में लिंक परचेस का लिंक, तो वो वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो दो बेल्ट के साथ आपको मिलने वाली है ये वॉच अल्ट्रा 2। यहाँ पे इसमें आपको मिलने वाला है एक प्रोटेक्शन केस, एक केबल प्रोटेक्टर, एक वायर वाली एयरफोन जो कि आप किसी में भी मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसका बेस रहने वाला है, और एक अल्पाइन स्ट्रैप, इसमें आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चार चीज़ें हैं जो इसमें फ्री मिलने वाली है। ये ग्लास और ग्लास के साथ केस है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ केस दिया है, केस नहीं दिया है, उसके साथ ऊपर एक ग्लास भी अटैच्ड है जो कि 49mm का प्योर ग्लास ट्रांसपेरी आपको देखने को मिल जाएगा, जो इस वॉच में आपको सपोर्ट देने वाला है। ये वाला जो वॉच है इसमें आप पूरा का पूरा इसको अटैच कर सकते हैं कुछ इस टाइप से ऊपर लगा के, ठीक है। तो ये इसका 49mm का केस है। अगर आप इस वॉच को परचेस करते हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी के लिए जो चार्जेस रहते हैं एडवांस देने पड़ते हैं, वो हमारी साइट के थ्रू आप पेटीएम, गूगल पे या कुछ भी तरीके से UPI से आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से आपको व्हाट्सअप नोटिफिकेशन मिलने वाली है जब भी आप इसको ऑन करेंगे। यहाँ से इसकी जो कनेक्टेड डिवाइस है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, कनेक्टेड डिवाइस है ये। तो यहाँ पे जब इसमें रेड डॉट अलर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जब भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी कुछ इस टाइप से ऊपर से प्रॉम्प्ट होने वाली है नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आपको रेड डॉट मिल जाएगा जो कि रेड डॉट नोटिफिकेशन का बोलता है कि नोटिफिकेशन आपको आई हुई है। तो यहाँ पे 309 मैसेज आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप इसमें। तो यहाँ पे मुझे जो नोटिफिकेशन है वो मैं रीड कर सकता हूँ यहाँ से और क्लियर भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स, तो कुछ इस टाइप से गाइस इसमें आप नोटिफिकेशन है वो रीड कर सकते हैं जब भी आप इसमें नोटिफिकेशन आएंगी। कुछ इस टाइप इसमें जीमेल वगैरह की नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, जीमेल वगैरह की नोटिफिकेशन यहाँ तो जीमेल की भी आएगी। फिर आप इसको नीचे नीचे करोगे क्लियर कर देगी यहाँ से, तो भी क्लियर हो जाएगी। फिर आप यहाँ से व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं इस वॉच में आपको देखने मिल जाएंगे। बिग बिलियन स्टोर में हम इसको परचेस कर सकते हैं और लिंक ऊपर है, नीचे भी आपको एक लिंक दी है, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।